सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो भाई आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने, तो आपको दिखाता हूँ सर्विस में क्या क्या होता है क्या नहीं होता। मेरी गाड़ी की पहली सर्विस हो चुकी है, आज है मेरी गाड़ी की सेकंड सर्विस। मेरे ख्याल थर्ड सर्विस जो होती है वो होती है मेजर सर्विस। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है। तो चलो चलते हैं। सो आपने ये तो देख ही लिया होगा, ये मैंने चेंज करा दिया था, ये मैंने रैप करा रखा है और एम्बिएंट लाइट का कराया था मैंने काम गाड़ी के अंदर, ये नीचे वाली लगवाई थी। सो चलो आपको जो जो होता है मैं वहाँ पे दिखाता हूँ। गाड़ी में काफ़ी चेंजेस भी कराए हैं क्योंकि बीच में व्लॉग आ नहीं रहे थे, मैं फिर बिजी हो गया था, बट हाँ कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम व्लॉग डालें। सो चलो आपको दिखाते हैं सेकेंड सर्विस के अंदर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, आ जाओ। सो भाई इसके अंदर मैंने सिस्टम में भी थोड़ा अपग्रेड कराया था, तो वो पहले व्लॉग नहीं आ रहे थे तो उसके चक्कर में मैं आपको दिखाना भूल गया था। सो ये देखो, सो बस भाई कॉपीराइट आ जाएगा। तो अभी भाई मैं आया हूँ रुक्खड़ को उठाने, ये देखो ये खड़ी सी गाड़ी भी, अभी इसको उठाने आए हैं। इसको उठा के लेके चलता हूँ क्योंकि भाई मेरे बस की तो है नहीं अकेले कोई काम कराना, वहाँ पे भाई बहुत टाइम लगता है सर्विस वगैरह में। तो कराते हैं, इसको उठाते हैं, फिर मिलते हैं, आपको दिखाता हूँ वहाँ पे ना। मतलब अगर वैसे सुबह सुबह चले जाओ आप सर्विस कराने तो ज़्यादा बेटर रहता है, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे को 10 बज गए, नहीं तो मैं पहले तो गया था मैं 7 बजे, बट 7 बजे मैं जैसे ही गया था तो मैं मेरे को लाइन वाइन में किसी में भी नहीं लगना पड़ा था, तो मैं सीधा चला गया था। बट आज देखते हैं अगर भीड़ हुई तो बात बात करके अंदर जाएंगे, वैसे तो आज भीड़ होगी क्योंकि सैटरडे और कल संडे है। चलो देखते हैं अब जैसा भी होता है अंदर जाके देखते हैं। और आप बता देना आपको सिस्टम कैसा लगा गाड़ी का, और भी आगे अपग्रेड आएंगे इसमें, आपको दिखाते रहेंगे। तो भाई ये तो अभी जा नहीं रहा, इसको कुछ काम है, इसके घर वाले ने कुछ काम बताया इसको, ये काम से जा रहे हैं डायरेक्ट वहीं पर आ जाएगा। करा इसमें कुछ काम वाम करवाऊंगा भाई। तो भाई इसकी गाड़ी की भी वीडियो आने वाली है जल्दी, इसमें भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। ये नंबर प्लेट वगैरह चेंज कराओ सर, ये तो आज ही करवा देंगे नंबर प्लेट का। तो चलो आ निकाली सर। तो चलो भाई हम तो चलें, हम इतने कराते हैं इसमें काम, तो अपनी तो ओके लगती है। ये भी अभी आ रहा है, साथ ही चल रहा है, आधे रास्ते में से ये साइड हो जाएगा फिर हम चलेंगे। पता नहीं यार इसके घर वालों ने इसको क्या काम दे दिया, ये कह रहा कि भाई मैं काम वाम कंप्लीट करा के आ जाऊंगा। मैंने कहा चल कोई नहीं, इतने क्या पता मेरे को भी वहाँ पे टाइम लगे। सो जैसा भी होता है दिखाते हैं आपको, ये देखो। तो कोई नहीं भाई, इसको करके आने दो अकेले ही काम, मैं भी अपना अकेले करा के आता हूँ, फिर आके मिलते हैं, क्या पता ये वहीं आ जाए क्या पता ना आ पाए। कोई नहीं, अपना अकेले ही चलते हैं कराते हैं। आपको आज पूरी डिटेल्स में दिखाऊंगा कि अपने स्विफ्ट की सेकंड सर्विस में क्या क्या होता है। मैंने बाहर से क्योंकि काफ़ी काम करा लिया, काफ़ी है मतलब बहुत, मतलब बस सिर्फ और सिर्फ मैंने वायरिंग नहीं छिड़वाई और मैंने सभी चेंज करा दिए एक तरह से। अभी भी काफ़ी गाड़ी में काम बचा है, धीरे धीरे करके करवाएंगे और बाकी आपको दिखाते हैं सर्विस में क्या होता है, क्या इंजन ऑयल वगैरह क्या क्या वो अपने डालेंगे। मेरे ख्याल से तो यही होगा, अपना इंजन ऑयल चेंज होगा और फिल्टर वगैरह एयर फिल्टर वगैरह चेंज होंगे, बाकी देखते हैं भाई क्या क्या होता है। और मेरे को यार वो भी चेंज कराना है, मेरे जो अलॉयज है ना, अलॉयज के अंदर ना जो ड्रम होता है वो ड्रम पे मैं पेंट करा के लाया था जब मैंने नए अलॉयज डलवाए थे गाड़ी के अंदर, बट यार पता नहीं या तो मैं गाड़ी ज़्यादा वॉश कराता हूँ तो उस चक्कर में अंदर से जो ड्रम होते हैं आगे वाले ड्रम के डिस्क ब्रेक के वहाँ पे वो हटने लग गया वहाँ से पेंट। तो अब देखते हैं, या तो मैं ड्रम दोबारा से पेंट कराता हूँ अगर कंपनी वाले कर देते हैं तो देखते हैं, नहीं तो अपना कहीं यहीं से आसपास से करा लेंगे। बट ड्रम पेंट कराने बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हल्के लाइट पड़ गए हैं, मतलब कलर फेड होना चालू हो गया अभी से ही, और अभी लगवाया अलॉय भी, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ उसने, या तो सही से नहीं मारे ड्रम पेंट। चलो अब जैसे भी होता देखते हैं कराते हैं यार, ये तो मेजर चीज़ है, ये करानी पड़ेगी, फिर लुक तुम्हें पता ही है गाड़ी से भाई कोई वो नहीं है, गाड़ी बिल्कुल टिप टॉप चाहिए मेरे को।
और हाँ भाई एक बात तो बतानी भूल ही गया था, मैं अपनी गाड़ी को सोच रहा हूँ कि रैप करा लूँ या तो पीपीएफ करा लूँ, तो मैं अभी एक ना साइड में फ़ोटो लगाऊंगा, आप फोटो में देखना कि कैसे क्या लगती है, सही लगती है तो मेरे को बता देना। और मेरा मन है यार वैसे ब्लैक कराने का, तो आप एक बार देखना, मैं ग्लॉस ब्लैक सोच रहा हूँ कराने के लिए, सो आप एक बार बताना कमेंट्स के अंदर कि कैसे लगता है कैसे नहीं, मेरे को बता देना। और भाई मेरे को तो ब्लैक वैसे बहुत ही पसंद आई, बाकी देखते हैं आप लोगों के ऊपर है, आप मेरे को प्लीज़ बता देना जैसा भी हो मैं करा लूँगा। सो गाइस एक चीज़ दिखाऊं, भाई हो लग रही है मस्त। सो भाई ये अपना हो चुका है डन, तो अपनी गाड़ी लग चुकी है यहाँ पे। भाई यहाँ पे नाना करते हुए भी 4 से 4.5 घंटे लगेंगे सर्विस होने में। तो ये देखो भीड़ देखो सारी सुस्ती, तो अभी सब कुछ डन हो चुका है, मैं तो जा रहा हूँ घर पे, अभी बीच में आऊँगा तो आपको दिखाता हूँ 2-2.5 घंटे में। तो भाई मैंने गाड़ी में से सारा सामान वामान निकाल लिया है, सामान वामान निकालने के बाद बस अब घर पे चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे मैं आऊँगा 2-2.5 घंटे बाद, क्योंकि यहाँ पे लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम रश है आज, बहुत ज़्यादा, तो मिलते हैं 2-2.5 घंटे के बाद। तो भाई यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा लेने के लिए अभी, भाई यहाँ पे कोई रुक ही नहीं रहा, पागल है क्या भाई यार, इतनी मुश्किल से यहाँ पे आए, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं रुकता, पता नहीं कैसे से है, देखते हैं जगह ऐसी है बिल्कुल खाली खाली, गाड़ी में लगेगी अभी 3 से 3.5 घंटे, तो करे क्या, मैं सोच रहा हूँ घर पे जाके दूसरी गाड़ी उठा लेता हूँ, उसमें कम से कम बैठ तो जाएंगे यहाँ पे आराम से, नहीं तो हालत बुरी हो जाएगी। तो भाई ये देख लो रिक्शा रुक्शा तो कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए देख लो काम ही डवा दिया। तो भाई तो पागल है क्या, देख रहा भाई, भाई तो तेज भगा रहा है, कहीं पलट पुलट जाए भाई, देख वीडियो रेड बुल रेड बुल पिलाओ तो बताओ, एक हेलमेट ले लो, तू एक हेलमेट ले ले, तू तो पागल है क्या भाई, चालान कट गया कहीं पे, अच्छा वो भाई भाई भी मत जाइयो कहीं, ऐसे नहीं हो जाए आराम से निकल जाएगा भाई। भाई ये देख लो घर कैसे जा रहे हैं, भाई दुनिया में बहुत बढ़िया इंसान भी है, बिना पैसे दिए तो नहीं भाई, पैसे वैसे तो दूंगा ही, तू आ जा, तू नान की थाली वाली खा ले, तेरे को जो खाना है, मैंने कहा तेरे को जो खाना है खा ले भाई, ऐसे यार गरीब की वो नहीं होती, आ जा तेरे को खिलाता हूँ, क्या खाएगा चार तो कमा लेता हूँ, तूने हमें यहाँ तक छोड़ दिया ना, बहुत बड़ी बात है, कोई किसी को नहीं पूछता, नहीं किसी ने, मैं रिक्शा भी नहीं रुके, तूने हमें इस पे छोड़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, ठीक है, ऐसा आदमी हूँ, हर किसी दुखी का व्यवहार सब समझता हूँ, हमने भी अपने पुराने जमाने में छोटे छोटे से बहुत भटकते रहते थे, आज इतना बड़ा हो गया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, जैसे आप बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सबको भला करना चाहिए, धन्यवाद, बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, अपने सो भाई इसने हमारी मदद करी है भाई ने। अभी भी लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा इंसानियत बची हुई है, उसने बेचारे ने हमें इतनी दूर तक छोड़ दिया, उसके बाद भी मेरे को बोल रहा था कह रहा भैया अगर आगे तक छोड़ना है तो मैं छोड़ देता हूँ, मैंने बट उसे मना कर दिया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत थैंक यू, मैंने ये तो उसको कुछ खिला पिला दिया, और अब मैं अपना आगे बढ़ चुका रिक्शे के अंदर, कैब वैब भाई कुछ हुई नहीं यहाँ पर, मैं क्या कर सकता था, देख रहा है बंदों में कितनी ज़्यादा वो है भाई, मैं बहुत खुश हुआ ये चीज़ देख के कि बेचारा वो इतना गरीब था, उसने तब भी हमारी हेल्प कर दी भाई, हैंड्स ऑफ है सबको भाई, सबकी हेल्प करनी चाहिए, कोई भी कभी भी फंस सकता है।
अभी घर के आ गए थे, तो मेरे भाई ने लिया है जावा, तो इसको भी पीपीएफ वगैरह हो रही है, आपको दिखाते हैं बाहर निकल के। ये अभी अभी न्यू लिया मेरे भाई ने, इस पर अभी पीपीएफ हो रही है, तो हम चलते हैं शोरूम। हमें तो जाना है भाई गाड़ी वाड़ी के काम से, इतने इसमें हो जाएगा काम, इसको आएंगे शाम को उठाएंगे, इसमें तो चल ही रहा काम, शाम को दिखाते हैं। इस पर भी पीपीएफ हो रही है, पीपीएफ करा के शाम को दिखाते हैं इसको भी और गाड़ी को भी। अब जाते हैं सीधा गाड़ी के पास। सो भाई अपनी गाड़ी की अच्छे से सर्विस हो चुकी है, बढ़िया तरीके से डन हो गई है, अब बस 10 मिनट का काम और रह गया, अंदर से पूरी क्लीन करेंगे फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो सब कुछ डन हो चुका है, सेकंड सर्विस थी तो इसमें इतना कुछ टाइम नहीं लगता, इन्होंने अच्छे से धो दी, सारा अंदर से चेक कर लिया था। अब बाकी देखो और क्या बताते हैं, गाड़ी तो पूरी रेडी हो चुकी है, बस अब पॉलिश वगैरह लगेगी, फिर अपना चलते हैं घर पे। तो भाई इसमें कुछ भी नहीं था, अपना हमारी ये वाली भी बेसिक सर्विस ही थी, इसके अंदर हमारा ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर तो मेरे ख्याल इन्होंने झाड़ दिया था, हाँ बस वो झाड़ के अच्छे से सारा का सारा क्लीन करके इसमें वापस डाल दिया है, क्योंकि हमारी सेकंड सर्विस है, जो थर्ड सर्विस होगी वो होगी मेजर सर्विस, उसके अंदर ऑयल फिल्टर इंजन ऑयल सब चीज़ें चेंज होगी, इसके अंदर हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसमें बस अच्छे से इन्होंने झाड़ झूड़ के सारा साफ़ सफाई करके वापस लगा दिया, अच्छे से गाड़ी वॉश कर दी पूरी की पूरी और ऐसे अब रेडी टू गो कर दिए कि हाँ बस एक बार पॉलिश वॉलिश लगा के चमकवा के अपना चलते हैं। और भाई अगर मेरी बात मानो तो हमेशा अपनी गाड़ी की सर्विस कंपनी से कराओ, अगर कंपनी से कराते रहोगे तो तुम्हारी गाड़ी की जो लाइफ है वो बिल्कुल ओके रिपोर्ट रहेगी, ना कभी कोई दिक्कत आएगी गाड़ी के अंदर, जैसे कि मेरी गाड़ी कितनी भी पुरानी हो जाए बट मैं कराऊंगा अपनी सारी की सारी सर्विस कंपनी से ही, क्योंकि भाई कंपनी का काम कंपनी का ही होता है। ये देख लो कितना जेन्युइन तरीके से काम करा बंदे ने, बढ़िया बिल्कुल ओके रिपोर्ट कर दिया पूरी की पूरी गाड़ी। अभी लगे हुए हैं पीछे भी, और ये वाली मैं अपनी गाड़ी के अंदर DRL डलवाऊंगा आने वाले टाइम में, अभी तो इसमें बहुत चेंजेस आने हैं। तो चलो भाई अब चलते हैं, बस एक बार अपनी गाड़ी को ले लेते हैं, गाड़ी को लेके बाहर निकलते हैं, बाहर गेट पास वगैरह बनवा रखा है, बाहर हमें गेट पास देना होगा, गेट पास देके फिर अपना घर निकलते हैं, एक बार इसमें CNG पेट्रोल सब कुछ फुल करा लो। तो भाई ये वाला जो सर्विस सेंटर है यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे एक जानकार हैं, वो मतलब मेरी गाड़ी का सारा देखते हैं, तो वही मेरी गाड़ी खड़े होकर अच्छे से करा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि रिबन भी बनवा ले, नई जैसी अभी तेरी गाड़ी, तो ये रिबन वगैरह बांध रहे हैं, अभी इस पर फ्लावर्स वगैरह लगा के फिर बाहर भेजेंगे गाड़ी को, वही यही प्यार होता है। और आज तुमने देखा ही था कि हमें रास्ते में भी वो मिला था एक बंदा जिसने हमारी मदद करी थी, इतने सारे रिक्शे वाले ने, भाई बहुत मतलब खुश हुआ उसको रिक्शे वाले को देख के कि मतलब वो इतना अमीर भी नहीं है, अमीर भी तो चलो बात छोड़ो कि लोगों के अंदर इतना वो है कि उसने हमारी मदद करी और हमें खुद लेके गया, और उसने मेरे को ये तक बोला कि भाई मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, मैंने कहा कि कोई नहीं भाई हम खुद चले जाएंगे। तो भाई ऐसे अच्छा लगता है कोई ऐसे बंदा मिलता है ना, तो चलो इस पर रिबन रिबन लगवाते हैं अच्छे से, इसको बाहर निकालते हैं फिर आपको मिलते हैं। सो भाई ये अपना यहाँ पे रिबन वगैरह बंध रहे हैं, गाड़ी पूरी रेडी हो चुकी है अच्छे से, निकाल के अब यहाँ से चलते हैं। भाई मज़ा आ गया, ये जय वाली वर्कशॉप है ये बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे 2-3 बंदे जानते हैं तो ये बढ़िया तरीके से करा देता है गाड़ी को, बिल्कुल 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा ही करा देता है। सो भाई गाड़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी, शीशे पे और मार दे और यहाँ पे, तो भाई आर कार इज रेडी टू गो, बिल्कुल रेडी हो गई अच्छे से। सो भाई अपनी गाड़ी की अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से सर्विस हो चुकी है, मेरा तो दिल खुश हो गया, बिल्कुल मस्त हो गई है अब गाड़ी एकदम से, अब काफ़ी टाइम की छुट्टी, अब अपना भाई अपना व्लॉग को प्यार दिखाना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग,
और भाई काफ़ी टाइम बाद आया था व्लॉग, क्योंकि मैं कहीं बिजी चल रहा था। अब धीरे 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 सही से व्लॉग डाल करेंगे और गाड़ियों की मैं ज़्यादातर व्लॉग बनाया करूँगा अब। सो चलो गाइस घर पे चलते हैं। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। तो भाई अपनी सर्विस हो चुकी है डन, गाड़ी हो चुकी है बिल्कुल नई जैसी दोबारा से, बिल्कुल मज़ा आ गया। अब गाड़ी में जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह कराएंगे, जो भी अच्छा अच्छा काम कराएंगे, आपको दिखाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।